हेलो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी आई होप ऑल सू आर डूइंग ग्रेट तो कल मैंने वीडियो डाली थी दैट आप कैसे प्रिपरेशन अभी भी कर सकते हो फ्रॉम जीरो ठीक है एंड यू ऑल वर लाइक कि हमको हाउ टू अटेम्प्ट वाला वीडियो चाहिए और फ्रेश वीडियो चाहिए ठीक है तो हैर आई एम डूइंग द वीडियो हाउ टू अटेम्प्ट एम एच सी डी थ्री ईयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम ठीक है ना कैसे अटैम्प्ट करना है क्योंकि इसके अंदर दे इज नो नेगेटिव मार्किंग तो जैसे मर्जी अटैम्प्ट करो बट एक तरीका है जैसे जिससे कि आप अपना स्कोर जो है वो ऊपर ले लेकर जा सकते हो अगर आप ढंग से अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस कर लेते हो तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में अगर आप जाना चाहते हैं कि आपको रिविजन कैसे करना है तो कमेंट कर दीजिए मैं रिविजन वाला वीडियो विथ टाइम टेबल ले आऊंगी जैसे मैं सी यू का लेकर आई हूं अगर आपको भी वैसा वीडियो चाहिए देन कॉमेंट डाउन बिलो देखिए यहाँ पर अबाउट द एग्जाम अगर हम देखें तो ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है बिल्कुल वैसे ही जब जैसे हम आपके मॉक टेस्ट ले रहे हैं डब्ल्यू पर डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यू कैन गो हैड एंड बाय नो नेगेटिव मार्किंग दिस नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम मतलब गलत भी आंसर अटैम्प्ट करोगे तब भी मार्क्स नहीं कटेंगे मतलब वन का वन फिफ्टी लगाकर आने एक भी ड्रॉप नहीं करना है ठीक है द टाइम अलॉटेड इज टू आवर्स दो घंटे दिए जाते हैं इस पेपर को करने के लिए इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम है हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर देखिए नो नेगेटिव मार्किंग ट्रीट द इंटायर पेपर एज वन यूनिट अब देखो जैसे ही एग्जाम पास आ गया है और जब पास आ जाएगा तो कई बोलेंगे कि भाई सेक्शन वाइज पेपर नहीं आएगा इस साल इस बार तो मिक्सड पेपर आएगा अब तुम कन्फ्यूज हो जाओगे कि अगर मिक्स आ गया तो मैं क्या करूँगा अरे भाई देखो मिक्सड आए सेक्शन वाइज आए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि सिलेबस तो वही है ना ठीक है ना अब यहाँ पे एक मैथ का एक इंग्लिश का एक लॉजिकल का आ रहा है या पहले मैथ्स का आ रहे हैं फिर इंग्लिश का आ रहे हैं मैच तो ही नहीं है इसके अंदर सॉरी मैंने गलत एग्जाम्पल दे दी आई टेक माई बर्ड्स बैक मतलब एक इंग्लिश का आ रहा है एक लीगल का आ रहा है एक करंट का आ रहा है एक स्टार्टिक का आ रहा है और फिर यू uh, नो you know, एक इंग्लिश का आ गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर पहले इंग्लिश हो गया फिर लीगल हो गया फिर ये हो गया अगर ऐसे सेक्शन बने हुए तब तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो मैंने पढ़ा है वो आ रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें तो नहीं फकर र्क पड़ना चाहिए वन यूनिट ट्रीट करना ऐसा नहीं कि सेक्शन को इतना इस सेक्शन को इतना और अगर मिक्स पेपर आ गया तो तो भाई कंफ्यूज ही हो गए नहीं ठीक है सॉल्व द पेपर इन टू राउंड दो राउंड में पेपर को आप सॉल्व करोगे फर्स्ट राउंड में हंड्रेड परसेंट ठीक है फर्स्ट राउंड में हंड्रेड परसेंट वाले क्वेश्चन आप अटेंट करोगे मतलब जिनका आपका शॉर्ट है जिनको देखकर आपकी रूख खिल जाएगी कि हाँ भाई ये तो आता है ठीक है ना सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन करोगे जहां पर आपको गेस वर्क करना है जहां पर बिल्कुल ही तुक्का मारना है बिकॉज कभी क्या कभी क्या होता है बहुत बार ऐसा होता है कभी कभी नहीं आप जब जब पता क्या होता है एक बार राउंड लगा ले तो ना तो थोड़ी शांति हो जाती कि हां ठीक है जो आता था वो हो गया अब मैंने तुक्के वाला काम तो जब सेकेंड टाइम आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना आपको याद आता है अच्छा ये तो वो है अच्छा ये तो वो है तो अच्छा ये तो वो है अच्छा ये तो वो है ना उसमें हमारे प्लस फोर टू फाइव मार्क्स बड़े आराम से हो जाते हैं कई बच्चों के तो प्लस टेन भी हो जाते हैं तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है जब आप मॉक टेस्ट जो लॉकेरी डॉट इन पर लगा रहे हो तब ऐसे ही प्रैक्टिस करना है दो राउंड में पेपर आपको सॉल्व करना है पहले में हंड्रेड वाले और सेकेंड में आप तुक्का या वर्क वाले करोगे सेक्शन वाइज अगर ट्रिक्स या सब्जेक्ट वाइज में कह दूँ ट्रिक्स बताऊँ तो रीडिंग कॉम्प्रिंशन में यार पहले क्वेश्चन पढ़ लेना क्वेश्चन पढ़ने का ये मतलब नहीं घंटा ही लगा दिया कि क्वेश्चन ही पढ़े जा रहे हो नहीं टेन टू ट्वेंटी सेकेंड्स लगा के क्वेश्चन पढ़ोगे एंड विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ोगे और फिर पैसेज पर जाकर पढ़ोगे तो उससे ना आपको एक आइडिया हो जाता है कि यार मैं क्या आंसर ढूंढ रहा हूँ तो ईजी हो जाता है उसके बाद लीगल रीजनिंग में राउट राइट द देंश आपको रफ पेज मिलेंगे वहाँ पर लॉजिकल में नीट कैलकुलेशन करिए कभी आप वापस आओ तो आप कर सको मतलब टेबल्स जो बना रहे हो वो नीट बनाओ करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पढ़ो और अपने दिमाग में आंसर करो ऑप्शंस पढ़ने से पहले क्योंकि कई बार ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर देती हैं बोनस टिप्स रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली ट्रू है फॉल्स है ट्रू स्टेटमेंट ढूंढने क्या ढूंढना केयरफुली क्वेश्चन पढ़ना है सिली मिस्टेक नहीं करनी और अगेन ये प्रैक्टिस से आएगी जितनी सिली मिस्टेक्स आप मॉक टेस्ट में कर जाओगे उतना आपके लिए बढ़िया है नो वेन टू जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं आप उसी में उलझे रह गए जो आता था वो तो रह ही गया नहीं अगर आप यूजल से ज़्यादा टाइम लगा रहे हो क्वेश्चन पे इसके वापस आ जाना पहले वो क्वेश्चन कर लो जो ईजी हैं जो आते हैं जो आता है वो ईजी है क्रिएट अ टेबल टेबल क्रिएट कर लो ठीक है क्वेश्चन नंबर एट ठीक है uh, मान लो ब्लड रिलेशन का है जिसमें मैं अटक गई तो मैंने ब्लड रिलेशन लिख लिया ताकि या फिर क्वेश्चन नंबर टेन उसमें पूछा है जी ट्वेंटी कहाँ पर हुई थी ठीक है ना मैं कोई और क्वेश्चन लगा रही थी मुझे आ हालांकि जी ट्वेंटी तो न्यू डेली में हुई थी चलो मैं वापस गई और मैंने कहा तो तुम क्वेश्चन ढूंढोगे कहा तुम वापस जाकर कर लिया या फिर जब तुम्हारे क्वेश्चन दोगे तुमने फटाफट वो वाले क्वेश्चन करे यार ये तो मुझे याद आ गए ठीक है ये कर सकते हो उसके बाद बहुत सारे बच्चे जब पेपर देते हैं अगेन ये प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट

देखिए यहाँ पर रफ शीट मिलती है शीट ऑफ पेपर विल बी प्रोवाइडेड विच कैन बी यूज बाय कैंडिडेट फॉर रफ वर्क और टेकिंग डाउन द क्वेश्चन नंबर यू वुड लाइक टू रिव्यू एट द एंड ऑफ द टेस्ट बिफोर सबमिटिंग आंसर आफ्टर द टेस्ट इज ओवर यू मस्ट हैंड ओवर योर शीट ऑफ पेपर टू द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बिफोर लीविंग द वेन्यू ठीक है आप वो शीट ऑफ पेपर भी पकड़ा कर आते हो ठीक है कैंडिडेट शुड ब्रिंग विद हिम और हर अ बॉल पॉइंट पेन आपको पेन जो है वो अपना घर से लेकर जाना होता है ठीक है तो अगर कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो अपना डाउट अगर आपको हमारे मॉक टेस्ट लेने डायरेक्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारे मॉक टेस्ट के साथ गाइडेंस कॉल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं ग्रुप गाइडेंस कॉल मिलती है, है जहां पर आप मेरे साथ जूम पे बात कर सकते हो राइट right? एंड अगर आपको कोई और स्ट्रैटेजी वीडियो देखनी है जैसे हाउ टू एनालाइज हाउ टू रिवाइज आपको फ्रेश टारगेट वीडियोज चाहिए तो ये सारी मैंने करी हुई हैं इसका प्ले बना हुआ है प्ले में आप चेक कर सकते हो दैट्स इट लॉग री साइनिंग ऑफ एल्स यू सुपरसून कोई और वीडियो रिक्वेस्ट है तो कॉमेंट में ड्रॉप कर सकते हो आई वुड लव टू क्रिएट अ वीडियो अगर हाउ टू रिवाइज के लिए आपको टाइम टेबल चाहिए तो कॉमेंट ऑन बिलो आई वुड कम up with a timetable. I will come up with a timetable.